मुख्यमंत्री के पत्नी जयानीति देव ने सोमवार को त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन की पहल पर महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के पत्नी जयानीति देव भी मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के पत्नी जयानीति ने कहा कि समाज में लड़कियों के लिए सभी प्रकार की गतिविधियों में आगे बढ़ने में सक्षम होने के लिए और सभी कार्यों को करने में सक्षम होने के साथ साथ विशेष रुचि के साथ खेल खेलने से प्राप्त सम्मान अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा का नाम अखिल भारतीय स्तर तक पहुंच सकता है, क्योंकि मैं एक महिला हूं और महिला के बारे में बात करती हूं और मेरे घर में एक बेटा और एक बेटी है। अभी जैसे प्रिंसिपल मैम ने हमें बताया, बहुत सुंदर हमारे सामने एक प्रस्तुति रखी। मैं आप सब बच्चों से ये शेयर करना चाहती हूं कि मेरी बिटिया को मैंने शूटिंग का स्पोर्ट्स ऑफ किया उसके लिए, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि बेटियां सब वो काम करें जो लीक को तोड़ती हो। बेटा सीखे ना सीखे, लेकिन बेटी को तो हर वो चीज सीखनी है जो समाज में सोसाइटी में उसको अलग रूप देती है, एक एक शक्ति देती है। और स्पोर्ट स्पिरिट एक ऐसी शक्ति है जो हमें ये बताती है कि हम आम बच्चों से, आम जनता से अलग हैं। हम जीतते हैं या हारते हैं इसमें मायने नहीं रखता, क्योंकि जीत अच्छी होती है और हार हमें आगे जाने के लिए सिखाती है। तो आज इस ब्यूटीफुल मॉर्निंग में जब आप लोग बहुत हाई स्पिरिट के साथ यहाँ आए हो, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों में जोश है? आई फील टू हियर यू, जोश है? जुनून है? yes. त्रिपुरा के नाम को रोशन करना है? yes. करेंगे, मिलके करेंगे, जरूर करेंगे। और कभी ये मत सोचना कि हम कहाँ पे खड़े हैं, क्या गेम खेल रहे हैं। जीवन में आने वाला प्रत्येक गेम, प्रत्येक मैच, प्रत्येक युद्ध इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एक एक पद से ही आप आगे जाते हो। Every step matters. जो experience आपको आज इस MBB ground के club में आपको मिलेगा, वो experience आपको आगे लेकर जाएगा national, international grounds में खेलने के लिए। और ये बहुत गर्व की बात है हमारे त्रिपुरा के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए कि हमारे नॉर्थ ईस्ट की महिलाएं ये ऑलरेडी प्रतिष्ठित कर चुकी हैं, ये बता चुकी हैं कि हम स्पोर्ट्स में बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे पास मैरी कॉम है, दीपा कारमकर है, हिमा दास है, और ऐसे बहुत से फेदर हमारे कैप में लगे हैं नॉर्थ ईस्ट के, जो ये बताता है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो स्पिरिट है स्पोर्ट्स की वो बहुत ऊंची है और उसको अब कम नहीं कर सकते हम, हमें और आगे लेके जाना है। आप सब पहले तो मुझे अच्छे से स्माइल करके दिखाओ, both sides, because game bat के साथ खेलना या अपने equipment के साथ खेलना नहीं है, ये दिल से जब हम खुश होते हैं, जो opponent team को देख के अंदर से गुस्सा आता है वो ही जोश है। हम सब ने यहाँ चक दे इंडिया मूवी देखी है ना, इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल तो वुमेन empowerment का, वुमेन स्पोर्ट्स स्पिरिट का हो ही नहीं सकता। मैं पंजाब से हूँ, जैसे मैडम ने कहा कि हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी को कम बढ़ावा देते हैं, मैं पंजाब से हूँ तो हम लोगों का क्या है, हम लोग तो इंडोर कम और आउटडोर ज्यादा रहते हैं, बस बल्ले बल्ले किया और मैदान में चले गए। सूरमा देखी है आपने कैसे वो हॉकी को लेकर चिड़िया को उड़ाते उड़ाते हॉकी का मास्टर हो गया। तो लगन आप लोगों में होनी चाहिए, स्पोर्ट स्पिरिट होनी चाहिए, और वो तभी होगी जब आप दिल से भी खुश होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे और ये सोच के उतरेंगे मैदान में कि हमें हर विजय को फतेह करना है, हमें त्रिपुरा का नाम नेशनल लेवल पे रखना है। और मैं इस बात के लिए कॉन्फिडेंट हूँ कि आप सब बच्चियाँ और बच्चे मिलके हमारे त्रिपुरा के नाम को बहुत आगे लेकर जाएंगे। मैं बहुत थैंकफुल हूँ आज मुझे यहाँ बुलाने के लिए, आप सबसे परिचय करवाने के लिए।
इसका मैं श्रेय और धन्यवाद हमारे टीसीए के प्रेसिडेंट साहब डॉक्टर मानिकशा जी को दूंगी, जिनके अक्सर अच्छे सोच और उनकी अच्छी लीडरशिप के चलते हम भी उनके पीछे पीछे उनका अनुसरण करते हैं। हमारे बीच में मैडम प्रिंसिपल हैं, जो खुद एक महिला हैं और इतने बड़े स्कूल को चलाती हैं। उनके अंदर बहुत सारी बच्चियां हैं जो प्रभावित होती हैं। आज उनके भाषण ने आप लोगों को भी जरूर प्रभावित किया है। और मेरे छोटे भाई जैसे किशोर यहाँ पे हैं, जो अक्सर स्पोर्ट्स स्पिरिट में ही मुझे दिखाई देते हैं, ऑन द ग्राउंड एंड ऑफ द ग्राउंड। मैजिक के अंदर डॉक्टर साहब, तो ये जज्बा रहना चाहिए, ये जज्बा सब में रहना चाहिए। और मैं बिल्कुल जैसा कि किशोर जी ने बताया कि एडवाइजरी कमेटी बहुत इम्पोर्टेंट रोल करती है, क्योंकि सब चीज़ें ना प्रेसिडेंट देख सकते हैं और उनके पास अपनी एक व्यवस्था में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको वो नहीं देख पाते। तो एडवाइजरी कमेटी का मेन रोल होता है कि उन सब चीज़ों को सामने रखना जो आप बच्चों के साथ जुड़ी हुई है, कैसे आपको आगे लेकर जाया जा सकता है, कैसे आपके स्पोर्ट्स में सुधार लाया जा सकता है, क्योंकि हर बच्चा समान नहीं होता। मैं 3 दिन पहले अपने ही हस्बैंड के साथ वॉक पे निकली तो दो चक्कर लगा के मैं वहीं पे, मुझे लगा अभी तो एम्बुलेंस में जाना पड़ेगा, बेटर है मैं घर वापस चले जाऊँ, और उस दिन से आज तक टांग का दर्द लेकर बैठ गई। लेकिन यही अगर मेरा जोन होता साइकिलिंग करने का, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि मैं उनको हरा दूँगी। तो हर बच्चे में, हर व्यक्ति में क्वालिटी होती है जो उसे समझनी होती है और उसको आगे लाना चाहिए। और किसी भी एसोसिएशन से जुड़े हुए लोगों का सबसे बड़ा काम यही है कि जो स्पोर्ट से जुड़े हुए बच्चे हैं, जो चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां हैं, उनको और मोटिवेशन देना, उनको और आगे लेकर जाना। और मैं इसके लिए ये ज़रूर बोलूँगी कि कभी ना कभी आप लोगों को टीसीए के माध्यम से इन सब बच्चों को ऑफ द ग्राउंड मिलके भी इनके साथ समय बिताना चाहिए, ताकि ये सब बच्चियां हमें दिल से बता सकें कि कब कब ये ज़्यादा मुस्कुराती हैं और कब कब ये ज़्यादा गुस्सा होती हैं। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आज का मैच विन-विन होगा, जो भी जीतेगा वो भी हमें उतना ही स्पेशल होगा, और जो नहीं जीतेगा वो अगली बार के लिए कसम खा के जाए।